हाय हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी खबर लाया हूं, जो कि आप लोगों के लिए इंडिया पोस्ट स्पोर्ट्स क्वाटा भर्ती 2023 की तरफ से आप लोगों के लिए नई वैकेंसी निकल आया है, जो कि इंडिया पोस्ट स्पोर्ट्स क्वाटा भर्ती 2023। सो आप लोगों के लिए आप सब यहाँ देख सकते हैं अपडेट। सपोज आप लोगों के लिए पोस्ट आपके स्पोर्ट्स की तरफ से आया है, जो कि आप सब देख सकते हैं इंडिया पोस्ट स्पोर्ट्स क्वाटा भर्ती नोटिफिकेशन पीडीएफ आप सब देख सकते हैं, जो कि है आप लोगों के लिए। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हैज़ बीन रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन फॉर स्पोर्ट्स क्वाटा भर्ती, जो कि आप लोगों के लिए ओनली फॉर द जो कि आप लोगों को स्पोर्ट्स में जो भी खेल चुका है, जो भी खेल है आप सब मतलब खेल चुके हैं, जैसे कि बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह का जो भी खेल आपके पास है, सर्टिफिकेट है, जैसे कि कबड्डी वगैरह वगैरह, तो आप इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ देर आर 1899 वैकेंसी सच एस पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए हैं। आप सब के लिए पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए ये पोस्ट निकल आया है, जो कि है 1899। दोस्तों आप सब यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 10 नवंबर 2023 एंड लास्ट डेट अप्लाई आपके 9 दिसंबर तक के हैं। आप सबके लिए बहुत समय है, सो आप सब 10 नवंबर यानी आज 9 है, कल से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप सबके लिए यहां देख सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट, जैसे कि इंडियन पोस्टल सर्कल पोस्टमैन नोटिफिकेशन 2023 पीडीएफ आप देख सकते हैं। जैसे कि एग्जामिनेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम होगा इंडिया पोस्ट ऑफिस नोटिफिकेशन 2023, ऑथोरिटी आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से आया है वैकेंसी, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ही आपके 1899 पोस्ट निकल आया है। मेल गार्ड है आपके पोस्ट नेम और पोस्टमैन एमटीएस होंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस मेल गार्ड नोटिफिकेशन 2023 पीडीएफ बाय फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2023 आपके ये ऑनलाइन शुरू होंगे। तो क्वालिफिकेशन आपके 10-12 पास करने से हो जाएगा, आप मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेगा। आपके यहाँ पे एज लिमिट 18 to 32 ईयर्स तक के आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन प्रोसेस से रिटर्न एग्जाम होंगे और डीडी होंगे। इंडिया पोस्ट एमटीएस ऑनलाइन आप यहां देख सकते हैं कि ऑनलाइन मोड की तरफ से आप इसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं। 10 नवंबर से ये शुरू होगा और 9 दिसंबर को ख़त्म होगा। सो आप लोगों के लिए इंडिया पोस्ट मेल गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 9 दिसंबर 2023। ऑल्सो चेक आप इस मेरिट लिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें देना होगा, आधार कार्ड, टेंथ मार्कशीट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ आप सबको यहाँ अपलोड कर रहे होंगे। आपके रिक्रूटमेंट होंगे टाइप ऑफ आर्टिकल इंडिया पोस्ट पोर्टल आपके indiapost.com इन ये वेबसाइट पे जाके आप इस पर आप विजिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिए हैं पोस्ट ऑफिस एमटीएस भर्ती 2023 के, आप देख सकते हैं द पोस्ट ऑफिस एमटीएस भर्ती 2023 विल बी रिलीज टू नोटिफिकेशन एंड इट विल बी आउट इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, यानी इस महीने को आपके नोटिफिकेशन आउट होंगे। तो इसमें आपके पास्ट 10 पास करने होंगे, 18 से 30 साल तक के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यू नीड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको तो पता ही है, इस वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। 10 मार्कशीट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ वगैरह वगैरह आपको इसमें अपलोड करने होंगे। स्टेट वाइज और सर्कल वाइज इंडिया पोस्ट एमटीएस वैकेंसी इज डिस्कस बिलो, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हर स्टेट से जितने वैकेंसी हैं यहाँ दिए गए हैं, आप सब देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आप मेल गार्ड, पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोगों के लिए आपको यहाँ ऑनलाइन फॉर्म आपको indiapost.com इन में आपको फिलअप करने होंगे। आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स सच एस मार्कशीट, टेंथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ आर रिक्वायर्ड फॉर टू फिल द इंडियन पोस्ट ऑफिस एप्लीकेशन फॉर्म 2023। आपके इंडियन पोस्ट ऑफिस के फॉर्म में आपको फिलअप करने होंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम रिटन एग्जाम टू गेट सेलेक्टेड फर्दर, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करने होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया पोस्ट एलिजिबिलिटी 2023 पोस्टमैन मेल गार्ड्स एमटीएस के लिए, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ क्वालिफिकेशन रिक्वायर आपके 10 पास करने होंगे एमटीएस पे और 18 से 35 साल तक के आपकी उम्र होने होंगे, और मेल गार्ड पे 12 पास एंड कंप्यूटर नॉलेज आपके रहने होंगे, सर्टिफिकेट यानी 18 से 35 साल की उम्र होने होंगे, और पोस्टमैन आपके 10 से
10वीं और 12वीं पास करने होंगे 18 साल से 32 साल तक के, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबके लिए अच्छी खबर है और आप सबके लिए ये नई पोस्टें निकल आए हैं जो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 पोस्टमैन MTS नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन आपको करने होंगे, जो कि आज की तारीख पे 9 तारीख पे ये रिलीज किए गए हैं। शॉर्ट लिस्टेड पे ये शॉर्ट नोटिस दिए गए हैं जो कि आप सबको रजिस्टर करने होंगे, जो कि द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू रिलीज इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 फॉर इतने पोस्ट ऑफ मेल गार्ड्स पोस्टमैन MTS एंड अदर्स। आपको ऑल द एस्पिरेशंस इन इंडिया वेर वेटिंग ईगरली फॉर द इंडिया पोस्ट ऑफिस मेल गार्ड नोटिफिकेशन 2023 PTF की तरफ से आपको फर्स्ट वीक नवंबर में आपके ये नोटिस आउट होंगे। आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस MTS भर्ती 2023 पे चेक कर लेना चाहिए और आपको इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने से हो जाएगा। आप सबकी तरफ से आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके नई नौकरी निकल आया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आप सब इस नौकरी के लिए अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों आप सबके लिए अच्छी खबर लाया हूँ, आप सबको वीडियो पूरी देखें बोल के मैं आशा किया हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जरिए आपके दोस्तों को मालूम चल सके। दोस्तों आज तक के वीडियो बस इतना ही। जय भारत।